welcome to Balaji Online Classes. In today's session, I, Vibhavani Rastogi, will teach you the 11th chapter of your book, which is The Discontented Fir Tree. In this chapter, you guys will learn that you'll have to be happy in what you have. We must be happy in what we have, because whatever we have it for some reasons. As in the story, there's a tree called, there's a fir tree who has problem with his leaves, but with times it understands that why it has these kind of needles, leaves. Discontented means asantusht, means ये जो fir tree है ये अपने पत्तियों से अपनी leaves से काफी असंतुष्ट है. And what happens with it? लास्ट में वो सेटिस्फाइड होता है, वो कंटेंटेड होता है, या लास्ट तक भी वो डिसकंटेंटेड रहता है. इस रास्ते पर्दाफाश करने के लिए बने रहिए साथ में. अ फिर ट्री ग्रो इन अ थिक फॉरेस्ट. फिर ट्री जो होता है वो कहाँ पे उगता है, कहाँ पर पाया जाता है? ये थिक फॉरेस्ट मीन्स घने जंगलों में पाया जाता है. It had dark green needles. उसके पास dark green color के needle जैसे leaves होते हैं. Its trunk was thick and straight. Means उसकी जो trunk है, means जो उसके main जो तना है उसका, वो कैसा है? वो straight है और सीधा है. Means बाकी पेड़ों की तरह इसमें बहुत सारे curves नहीं है, ये curves नहीं है, बिल्कुल सीधा है. The wind sang a song when it moves through its branches. Means जब wind इसके branches के बीच से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है कि गाना, हवा गाना गा रही है. One day it looked at the leaves of the other trees and these had different shapes, round, oval, narrow and broad. एक बार वो other trees को, means उसके आसपास जो trees थे, क्योंकि forest में तो कई सारे trees होते हैं, वो अपने आसपास के ट्रीज को देख रहा था और वो देख रहा था कि उनके पास कैसी लीव्स हैं. उनके पास ओवल शेप में लीव्स हैं, उनके पास नैरो लीव्स हैं, ब्रॉड लीव हैं, राउंड लीव्स हैं. द फिर ट्री लुक्ड सैडली एट इट नीडल्स एंड सेड, माय नीडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स. वो फिर उन सबको देखने के बाद में अपनी नीडल्स की तरफ देखता है और कहता है कि ये प्रॉपर लीव्स नहीं है, मतलब मेरे पास अच्छी लीव्स नहीं है, इन्हें लीव्स नहीं कह सकते. They are stiff and sharp. वो stiff means जो अच्छे आराम से ना मुड़े, means hard leaf. मेरी leaves कैसी है? ये stiff है and sharp है. Means sharp means अगर कोई इनके पास से गुजरे तो उसे चोट लग सकती है. Means sharp edges हैं उसकी leaves के और वो stiff है. That's why they are like needles. They are not like leaves of other trees. Means वो other trees के leaves की तरह नहीं है. I wish I had leaves of gold. मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं wish करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जो leaves हैं वो कैसे हो जाए, वो gold के हो जाए, मेरे leaves gold leaves हो जाए. A wood fairy heard its sad word. Wood fairy, forest की fairy, उसकी इस दुख भरी बातों को सुनती है. She touched its bow with her magic wand. वो उसकी branches को, means bow means branches, के tree की branches उसको touch करती है अपनी magic wand से. And next morning the needle of the fir tree had changed into shining gold leaves. It was very happy but its happiness did not last long. वो जब सुबह उठता है देखता है कि उसकी needles कैसी हो चुकी है, उसकी needles मीन्स उसकी लीव्स जिन्हें वो नीडल्स बगालता है वो कैसी हो गई है, वो गोल्ड लीव्स हो गई, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई है. एज ही विश्ड यस्टरडे, बट अभी वो बहुत खुश है, बट उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती. अ रॉबर केम एंड स्टार्ट प्लकिंग ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम फिर ट्री. एक रॉबर आता है वो फिर ट्री से, क्या करता है, क्योंकि उसमें गोल्ड लीव्स थी. अब वो बहुत एक्सपेंसिव ट्री हो गया था, जो मतलब जिसके नजर में भी आता वो पहले उसे लूट लेता क्योंकि उसके पास गोल्ड लीव्स थी. उसी बीच क्या हुआ कि वहां से एक रॉबर गुजरा और उस रॉबर ने क्या किया, वहां से उसकी सारी जो लीव्स थी उसने प्लक करना, मींस तोड़ना स्टार्ट कर दिया. द फिर ट्री बेग्ड,
उसने उससे मिन्नतें की, प्लीज डोंट टेक माय गोल्ड लीव्स, मेरी गोल्ड लीव्स मत लो. रॉबर रिप्लाइड, आई सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माय फैमिली, मैं इन्हें सेल कर दूंगा और अपनी फैमिली के लिए फूड खरीदूंगा. देन ही रैन अवे विद ऑल द गोल्ड लीव्स, फिर वो सारी गोल्ड लीव्स उस फिर ट्री के लेके वहां से भाग गया. द फिर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, इट स्टार्टेड वीपिंग, इट लुक्ड, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स. मीन्स उसके साथ जब ऐसा हुआ तो वो रोने लगा और फिर उसने रोते रोते कहा कि इट लुक्ड अगली विदाउट गोल्ड लीव्स. गोल्ड लीव्स के बिना, मतलब बिना पत्तियों का वो पेड़, वो कहता है कि बिना गोल्ड लीव्स के मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, अगली लग रहा हूँ, भद्दा लग रहा हूँ देखने में. इट सोक्ड, वो फिर से रोया. सोबिंग मीन्स रोना, सोब सिसकियों भरे रोना, मीन्स काइंड ऑफ रोना, मतलब आप जब धीमी आवाज में सिसक सिसक के रोते हो तो उसे सोबिंग कहते हैं, सोब कहते हैं, SOB. I wish I had sparkling glass leaf. कि मेरे पास काश चमकदार शीशे के कांच के पत्तियां होती. They will shine in the sunlight. I'll look like a tree of light. वो सन की, सूरज की रोशनी में चमकती और मैं एकदम लाइट ट्री की तरह दिखाई पड़ता. The kind wood fairy heard it word. उस दयालु वुड फेरी ने फिर से उसकी बात सुन ली. She touched the bow of the fir tree once more with her magic wand. उसने फिर से उसकी fir tree की बो को अपने magic wand से touch किया. The next morning the fir tree was covered with sparkling glass leaves. उसकी छकबूल हुई और उसके पास अब इस morning क्या है, उसके पास sparkling glass leaves हैं, चमकदार कांच की पत्तियां हैं. द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक एट इट विद वंडर, मीन सब ने फिर ट्री की तरफ बड़े ही अचंभे से देखा. अलास, इट हैपनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग दिस टाइम ईदर, इस बारे भी उसकी हैप्पीनेस ज्यादा देर तक नहीं रुकी. कैसे, अ स्टॉर्मी विंड स्टार्टेड ब्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक तूफानी हवा फॉरेस्ट से गुजरने लगी. इट ब्लू सो हार्ड दैट ऑल द ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, वो इतनी बुरी तरह से, इतनी तेजी से उस फॉरेस्ट से गुजरी कि जितने भी वहां के ट्रीज थे फॉरेस्ट के, सब बुरी तरह से अपने जगह पर हिलने लगे, क्योंकि तेज हवा चलती है तो काफी बार आपने सुना है कि वो अपने साथ में पेड़ को भी उखाड़ ले जाती है. तो इतनी तेज हवा चली कि वो सारे जो जितने भी ट्रीज थे वहां पे, इवन स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज, सब शेक करने लगे. Crash all the sparkling glasses leaves of fir trees broke into small pieces. उसके जितने भी grass leaves थे सब crash हो गए और सब जमीन पर बिखर गए. इतनी तेज हवा में जब बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे थे, वो बुरी तरह से shake करने लगे थे, उसकी glass leaves कहाँ बचने वाली थी. हवा चली, तेज तूफानी हवा चली और उसने उसके सारी पत्तियों को तोड़ दिया और वो बिखर कर छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर गिर गई. इट वॉज अगली एंड लीफलेस अगेन, और वो भद्दा और लीफलेस फिर से हो गया. इट वेप्ट लाउडली, लास्ट टाइम उसने शॉपिंग की थी सुसक सुसक के रोया था, इस बार जब उसने अपने आप को देखा तो बहुत जोर जोर से रोने लगा. द क्रूअल विंड हैज ब्रोकन ऑल माय लीव्स, उसने चिल्ला चिल्ला के रोया, क्रूअल लीव्स ने मेरे सारे लीव्स को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया. What shall I do? अब मैं क्या करूं? I wish I had broad, smooth green leaves. काश मेरे पास बड़े स्मूथ मीन्स सॉफ्ट ग्रीन लीव्स होते. Then I'll be contented and happy. तब मैं संतुष्ट होता और खुश होता. The wood fairy heard its sobs again and granted it wish, because the wood fairy was kind. उसने फिर से उसकी ये कहानी, दुबारी कहानी सुनी, उसे सुना और फिर से उसकी विश को पूरा कर दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिर ट्री हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स. नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पास में ग्रीन लीव्स थी, ब्रॉड ग्रीन स्मूथ लीव्स थी. इट वॉज फुल ऑफ जॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल लीव्स आई हैव, रॉबर्स वोंट स्टील देम, द क्रूअल स्ट्रॉन्ग विंड कांट ब्रेक देम, नाउ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर. जब अपनी
नई लीज को देखता है तो वो बहुत जॉयफुल हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि क्या कितनी सुंदर पत्तियां हैं मेरे पास, ना चोर इन्हें चुरा सकता है, ना तेज हवा इन्हें तोड़ सकती है, नाउ अब मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा, नाउ आई विल बी हैप्पी फॉरएवर. सडनली देयर वाज अ नॉइज ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट. अचानक ही क्या हुआ, वहां से बहुत सारी शीप्स की आने की आवाज आने लगी कि वहां से खूब झुंड में काफी सारी शीप्स भेड़ आ रहे हैं. The billy goats were wandering in the forest looking for something to eat. The billy goats थी, जो goats थी वो सब क्या कर रही थी, the billy goats थी means the male goats से, वो सब क्या कर रहे थे, वो अपने लिए खाना ढूंढ रहे थे, forest में कुछ खाना ढूंढ रहे थे. They saw the broad soft green leaves of the fir tree. उन्होंने fir tree की soft green smooth leaves को देखा. They ran into it and started eating it. टेस्टीली वो उसकी तरफ दौड़ के गए और उसकी लीव्स को खाने लगे. आउच आउच बिली गोट्स, प्लीज डोंट ईट माई लीव्स, प्लीज प्लीज. अब कोई आपको काटेगा तो कैसा करोगे आप, आउच आउच ही तो करोगे, आप चिल्लाओगे, बट फिर ट्री ने आउच आउच ही किया. वो कहते हैं बिली गोट्स प्लीज मेरी लीव्स को मत खाओ, आई वॉन्ट everyone to admire them, cried the fir tree. मुझे लगे कहते हैं कि मैं सब चाहता हूँ कि सब लोग इसकी तारीफ करें. The billy goats replied, we are hungry, we'll eat them all. हम भूखे हैं, हम इन्हें सब खा लेंगे, हम सारी leaves को खा लेंगे. They ate up all the leaves of the fir tree and they walked away. उन्होंने fir tree की सारी leaves खा लिए और वो वहां से चले गए. The fir tree wept again. Said to wood fairy, I don't want any green leaves. I need my unhappy or discontented. I'll never be unhappy or discontented. Means मुझे ये जो leaves दी हैं आपने, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए. मैं कभी भी निराश और discontented means असंतुष्ट नहीं रहूँगा. I don't want gold leaves. मुझे gold leaves नहीं चाहिए. I don't want grass or broad soft leaves. मुझे ग्लास लीव्स या फिर सॉफ्ट स्मूथ लीव्स नहीं चाहिए. प्लीज गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स, प्लीज मुझे मेरे ग्रीन नीडल्स वापस दे दीजिए. आई ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विद माई ग्रीन नीडल्स, मैं हमेशा अपने ग्रीन नीडल्स के साथ में, अपने लीव्स के साथ में खुश रहूंगा और कंटेंटेड मीन संतुष्ट रहूंगा. द वुड फेरी गिव इट बैक इट्स शार्प स्टिफ नीडल्स, उसने वुड फेरी ने फिर ट्री को उसके शार्प नीडल्स वापस कर दिए. नेक्स्ट मॉर्निंग द फिर ट्री स्टूड हैप्पीली एंड इट इज एवरग्रीन ड्रेस, एज इट्स एन एवरग्रीन ड्रेस. वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हैप्पीली अपनी जगह पर स्टूड रहा विदाउट एनी सोबिंग, विदाउट एनी शिकायत. वो वहां पर खड़ा रहा और हैप्पीली वहां पर रहा. अब उसके पास कोई भी शिकायत नहीं है कहने को. बच्चों ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास जो है हम कभी उसमें संतुष्ट नहीं होते, कभी भी उसमें कंटेंटेड नहीं रहते. हम हमेशा अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. बट आप लोग इस वक्त जहाँ पर हो, आप अगर देखें आपके सामने कई बच्चे हैं जो जिनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं जो आपके पास में है. तो बी कंटेंटेड इन वॉट यू हैव. Don't argue or don't fight or don't sow for what you don't have. आप जो चीज नहीं है आपके पास, आप उसको पाने के लिए मेहनत कर सकते हो, बट आप उसके लिए रो रहे हो, that is not good. I hope कि आप discontented नहीं है, आप contented है, you are happy with what you have. If not, try to be happy with what you have or try to earn it. Don't sow for things. Thank you for watching the video, and for further details and videos, do subscribe to our channel and stay connected with us on School Mitra.